हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। यहाँ से हम लगभग 2 नंबर कवर कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम होनी है तो ये समझिए कि यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य है। तो आज के वीडियो में हम लगभग 25 ऐसे टॉप फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं। पहला पॉइंट है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? तो याद रखिए, ऑक्सीजन का सूत्र मतलब फार्मूला O2 है। O2 ऑक्सीजन का फार्मूला है। अगला पॉइंट है, नाइट्रोजन का फार्मूला। तो याद रखिए, नाइट्रोजन का फार्मूला है N2। अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन का फार्मूला। तो H2 को हाइड्रोजन कहा जाता है, यह रासायनिक सूत्र है। अगला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2। याद रखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला पॉइंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे रसायन विज्ञान में CO के नाम से जाना जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आप इन सारे फार्मूलों को एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है SO2। याद रखें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO। अगला पॉइंट है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखें, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरीन, जिसे Cl2 से दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक फार्मूला है HCl। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया अम्ल, अमोनिया को NH3 से दर्शाया जाता है, अमोनिया। अगला पॉइंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र या फार्मूला HCl होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला पॉइंट है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, आप याद रखें। अगला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला है HNO3 नाइट्रिक एसिड कहलाता है। याद रखें, नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका सूत्र है। आप इस वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देख लें, ताकि आपको इसी वीडियो में सारे पॉइंट रट जाए। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। याद रखें, H3PO4 फास्फोरिक एसिड कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड, जो कि एक क्षार है, कार्बोनिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र है H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NaOH। याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फार्मूला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का OH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है KOH। याद रखें, इसे कैपिटल में लिखा जाता है, KOH मतलब
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है Ca और कोष्टक में OH2 लिखा है। इसको इस प्रकार से लिखा है Ca और कोष्टक में है OH। इस प्रकार से यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रकार का लवण है। अगला पॉइंट है सोडियम क्लोराइड। याद रखिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला रासायनिक सूत्र है सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हुआ NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अगला पॉइंट है कार्बोनेट सोडियम। कार्बोनेट सोडियम का रासायनिक सूत्र फार्मूला Na2CO3 है। याद रखिए कार्बोनेट सोडियम का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखें कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 है। याद रखें आप दोनों ये पॉइंट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4 2 SO4। इसे आप फिर से देखें अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है NH4 2 SO4 लिखा गया है। इसको आप अच्छे से याद रखें अमोनियम सल्फेट NH4 2 SO4 है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, संभावना रहती ही है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और समय समय पर इसे रिवाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।